आशा करती हूँ बहुत अच्छे में होंगे या मज़े में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी मेरा घर का सारा काम हो चुका है, सफाई वगैरह हो चुका है। अभी मैं नहाने जाऊँगी तो यहाँ पर बहुत ठंड गिर चुका है, इसीलिए मैं गर्म पानी में नहाती हूँ। तो अभी गर्म पानी बिठाया हूँ, तो गर्म पानी होते होते सोचिए आप छत पर थोड़ा जाके धूप ले लूँ और आपसे बात भी थोड़ा कर लेती हूँ तब तक। तो फिर चलिए दोस्तों छत पर चलते हैं। यह हम लोग का घर का चारों तरफ का नज़ारा है, देख लीजिए। देखिए यह हम लोग का घर के सामने में कदम का पेड़ एक है, उसके सामने में नीम का भी पेड़ है। हम लोग का घर के सामने में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ है, तो गर्मी का दिन में थोड़ा अच्छा सा तूफान देता है, तो बालकनी में अगर बैठूँ तो अच्छा हवा लगता है। तो देखिए ये हम लोग का घर के सामने का नज़ारा है, सामने में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हम लोग का घर का सामने का नज़ारा, ये देखिए ये हम लोग का घर का सामने का नज़ारा है, ये देख लीजिए। देखिए ये हम लोग का, हम थोड़ा बहुत पेड़ लगाए हैं, देखिए फूल का गाछ लगाए हैं, उसमें थोड़ा बहुत फूल होता है, मेरा पूजा के लिए हो जाता है फूल, क्योंकि पूजा करने के लिए तो पूजा ज़रूरत होता है, तो इसीलिए थोड़ा नैन तरह का पेड़ लगाए हैं, उसमें फूल होता है, क्योंकि ये फूल 12 महीना देता है, इसीलिए पूजा के लिए मुझे फूल मिल जाता है। देखिए इस तरह भी है, ये भी है, और इस तरह भी लगाए हैं, देखिए इसमें भी कितना फूल हुआ है, देखिए इसमें भी कितना फूल हुआ है, देखिए ये फूल मुझे पूजा के लिए मिल जाता है। देखिए ये उसके पास मेरा एलोवेरा का पेड़ है, देखिए कितना सारा एलोवेरा का पेड़ हुआ है, एक लगाए थे लेकिन इतना सारा हो गया है, तो सूख भी जाता है बहुत। देखिए मेरा पहले बहुत फूल का पेड़ था, मतलब गाछ फूल का लगाए थे, गुलाब का बहुत सारा फूल का गाछ लगाए थे, लेकिन उसके लिए तो टाइम देना पड़ता है, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिला, इसलिए हम लोग वो सब जब जब उसका देखभाल नहीं कर सके तो सूख गया। सूख जाने के बाद उसको सब फेंक दिए, फिर इसको ही लगाए हैं पूजा के लिए। देखिए देख लीजिए दोस्तों, अभी दोपहर का 2 बजा है, अभी हम लोग का लंच वगैरह हो चुका है। आज हम लंच में मछली का झोल और आलू फूल गोभी का सब्जी और केला का भुजिया बनाए थे, तो हम लोग का लंच हो चुका है। अभी खाना खाने के बाद थोड़ा ठंडा लगने लगा, तो सोची थोड़ा छत पे आके बैठती हूँ, क्योंकि बालकनी में हम लोग का ना धूप रहता ही नहीं है, बहुत जल्दी चला जाता है, 2 घंटा के लिए रहता है फिर चला जाता है। तो अभी दोपहर में बालकनी में धूप थोड़ा भी नहीं रहता, इसीलिए छत पे आना पड़ता है, तो ठंडा ज़्यादा लगने के लिए हम छत में आ चुके हैं, थोड़ा बैठी हूँ छत पे। तो अभी आज हम शाम को थोड़ा रौरकेला का इस्पात मार्केट जाएंगे, वहाँ पर फूल का थोड़ा चारा लेके आएंगे घर पे लगाने के लिए। देखती हूँ क्या क्या फूल का चारा मेरे को मिलता है, जो मिलेगा उसी को ले आऊँगी, लगा दूँगी घर पे। तो दोस्तों आप मेरा वीडियो में बने रहिए, फिर मार्केट से आने के बाद आपसे फिर मिलती हूँ। दोस्तों मैं पूरा तैयार हूँ जाने के लिए, अभी मैं मार्केट जा रही हूँ। देखिए ये जो मैं जोड़ा जो लगाई हूँ ना, ये ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है, मैं ऑनलाइन मंगाई थी। कभी कभार मैं जोड़ा भी करती हूँ, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे जोड़ा में अच्छा लगता है या खुला बाल में। तो दोस्तों फिर मार्केट से आने के बाद आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए आप मेरा वीडियो में बने रहिए।
मार्केट से आ गई हूँ। अभी रात का डिनर भी हो चुका है हम लोगों का, तो सोची मैं आप लोगों को बता दूँ मैं मार्केट से क्या क्या खरीद के ले आई हूँ। ये बायोटिक का आपका ये फेस क्लिंजर, ये देखिए ये फेस क्लिंजर है, ये मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और ये बायोटिक का स्क्रबर है, इसको भी मैं ले आई हूँ, मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, किसी भी स्किन के लिए ये सूटेबल है, तो मैं इसी को इस्तेमाल करती हूँ। और एक ठो लैक्मे का लिपस्टिक ले आई हूँ, और ये भी एक ठो लिक्विड वाला भी लिपस्टिक ले कर आई हूँ, ये भी लैक्मे का ही है। तो और इतना ही सामान मैं ले कर आई, मेरा ये सब ख़त्म हो चुका था, तो सोची मैं जब मार्केट आई हूँ तो इसको भी ले जाऊं, तो लेके आ गई। तो देखिए मैं किस चीज़ के लिए गई और क्या लेके आई। चलिए ये भी मेरा काम का चीज़ है, कोई बात नहीं, दो दिन के बाद मेरे को वो मिल जाएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरा हिंदी बोलना आपको समझ में आता है या नहीं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है। मैं बंगाली हूँ इसीलिए मैं थोड़ा हिंदी रुक रुक के बोलती हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरा हिंदी आपको समझ में आता कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करने में मत भूलिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर नया वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय।